A surprise. दिन के 12 बज गए और हम जा रहे हैं टाउन बिल पे करने के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बिल जो है वो हमारा रह गया था, किसी मसरूफियत की वजह से हम पे नहीं कर सके। और बच्चे आज भी जो है यहाँ पर मौजे मार रहे हैं। छुट्टियाँ कब तक हैं आप लोगों को? कल जाने, मतलब कल आपकी ईद ख़त्म हो जाएगी। सही, सिरत सारा आप भी खेल रही हैं। इतवार को आपने जाना है, चलें। और ऐसीन जो है वो बिल को देख रहा है कि ये बिल नहीं है, अब बिल्ली है। और बिल ने भी बच्चे देना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे जो बिल हैं वो पहले काफ़ी बड़े होते थे, लेकिन अब उन्होंने छोटा सा पेज बना दिया है। और गुड न्यूज़, हमारी सूरजमुखी ने फूल ले लिया है माशाल्लाह, और हमारे गार्डन में ये पहला फूल है, इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। इंशाल्लाह बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और जल्द निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही हुआ है अभी। और बाहर वाले पौधे जो हैं उनका देखते हैं कोई हुआ है या नहीं हुआ। नहीं, वो अभी नॉर्मल हैं सारे। ये एक ख़ास किस्म का पौधा है, पौधा नहीं बेल मैं कहूँगा, और ये बहुत ही अच्छी बेल है। वैसे यार अंगूरों की भी बेल लेके आनी थी, याद दिलाना जब हम शहर जाएंगे लेके आएंगे। ठीक है सिरत सारा, आज मैं जा रहा हूँ वैसे टाउन से, तो कोई अच्छी नर्सरी नहीं है, मैं पता करूँगा। मम्मी जी जहाँ पे आप जा रहे हैं उसके लिए अल्लाह उसके लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें आप खेलें, मैं फिर आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम माशाल्लाह आज भी अच्छे हैं, दरवाज़ा पहले खोल लेते हैं, उसके बाद फिर बाइक लेके आएंगे। आजकल बाइक मैं यहीं खड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती इसीलिए, और कमरा भी खराब हो जाता है। अतीक किधर गया? लकड़ी उठाने के लिए। चलें अकेला ही जाता हूँ। दिन के 2 बज गए और शिद्दत वाली गर्मी में कुकिंग हो रही है। इतना बड़ा पतीला है और यहाँ पर बन रहे हैं हमारा पुलाव, चिकन पुलाव। चिकन बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव? चिकन पुलाव ही बन रहा है माशाल्लाह। मसाला वगैरह बना के इसमें चिकन डाल दिया गया है, और पहले चिकन बनेगा और उसके बाद फिर पुलाव। सभी सुकून कर रहे हैं और हम जो है खाने की तैयारियों में लगे हुए हैं और जगह की तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि गर्मी अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरे घर में जगह नहीं मिल रही थी कि कहाँ पर सेटअप किया जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। और फाइनल हमने अपने गेस्ट रूम यानी बैठक में जो है वो सेटअप लगा दिए हैं, और पहले हमने सोचा था कि कहीं बाहर जाके खाना खाएंगे, लेकिन तादाद काफ़ी ज़्यादा है, सभी बाहर नहीं जा सकते। चार पहियाँ हमने बाहर निकाल दिए और यहाँ पर हमने लगा दी है चटाई, और खाना ले के आते हैं अब। बाबा जान अपना खाना खा रहे हैं, ले आए यार जल्दी जल्दी। आज शोर शराबा आपको सुनाई दे रहा होगा मेरे घर में। और पुलाव हमारा दम पे है, दम खुलेगी तो देखेंगे कैसा बना है, और फिर टेस्ट करके देखेंगे कैसा बना है। कुकिंग आप ही ने की है, और मनूर हमें फाइनल लुक दिखाएंगी कि पुलाव बना कैसा है। वैसे मनूर आज का जो है ना वो कुकिंग से दूर दूर रहती है, जब से हाथ चले माशाल्लाह खुशबुएं अच्छी आ रही हैं और चावल भी अच्छे ही बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखते हैं सबको भूख भी लगी, क्योंकि नाश्ता किया था और उसके बाद बस थोड़ी सी जलेबी खाई है सभी ने। यहाँ पर रायता बनाया जा रहा है और इसमें डाले जा रही हैं खीरे। रायता की पूरी परात, कोई दस्तरखान भी दे दें जो इसके ऊपर डालना है वहाँ पे। मैंने जैफा दस्तरखान लेके आओ मामी से। कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है, लाइट ना भी हो हमारे ये वाला कमरा फुल ठंडा रहता है, क्योंकि चारों तरफ से इसकी विंडो और दरवाजे हैं। बच्चा पार्टी यहाँ बैठी है, कोनों के साए में बैठे हुए हैं सब। बड़ों के लिए हमने कमरे में लगा दिए और बच्चों के लिए यहाँ पर। बच्चे पार्टी आए और अपना अपना उठा कर ले जाएं, आ जाए जल्दी जल्दी।
ये शेजेब आपका, बाकी सभी आ जाएं। यहाँ इतना थोड़ा सा साया कहीं और बैठ जाते, लेकिन बच्चों ने यहीं बैठना है। तो सभी आ चुके हैं खाने के दस्तरखान पर, और बिस्मिल्लाह करें और शुरू करते हैं खाना। शाम के 5 बज गए हैं और मेहमानों ने जाने की तैयारी कर ली है, और बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा आज का भी। नजर आ रहे हैं यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, ईद का तीसरा दिन माशाल्लाह से हो चुका है और आज ईद का तीसरा दिन खत्म हो चुका है, आज खत्म होने को आ रहा है। बस दिल नहीं कर रहा कि खत्म हो, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो ये दिन जो है ना सबको बार बार दिखाए, सबकी वो जिंदगी में ये दिन आते रहे, माह रमजान भी आता रहे, और अल्लाह पाक सबको ये खुश किया वो देता। आमीन। और बच्चों को ईदी देते हैं, आपने कहा था कि आपने बाकी बहनों को दे दी है और हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली बहन को आपने ईदी नहीं दी, तो मैंने कहा था कि उनके लिए स्पेशल है। मैं खुद रहने आया, ऐसी बात नहीं है, मैंने जो है इरादा था कि आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने सरप्राइज खड़काया कि हम तो आपके घर पहुंचे बैठे हैं, तो इसीलिए जो है फिर मैंने सोचा कि बस घर जाके भाई हमारे पास आओ, मैं बस भाई और भाभी से मिल पाती, और हम लोग यहाँ पर आए तो मेरी सारी फैमिली, मेरी सारी बहनें, भांजे, अम्मी जान, अबू जान सब से हमारी मिलो। आप ही के लिए एक खास ईद का गिफ्ट था जो कि मैंने ईद से पहले ही बनवाया हुआ था, तो वो भी देते हैं। हमारे बर्तनों से आपको पता चल गया होगा कि खाना वगैरह हमने खा लिए हैं और फजर जाने की तैयारी कर रहे हैं सभी। जब से फजर आई है हुज़ैफ़ा गुस्से में है, क्योंकि प्रोटोकॉल ज्यादा फजर और सुभान को मिल रहा है। हुज़ैफ़ा कहता है मेरा प्रोटोकॉल कम हो गया। जी बेटा, ओए होए होए, चलें हम पूछते हैं फजर से, फजर ने क्यों मारा है आपके सिर पे, क्या कर रहे हैं? यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है, आज का दिन है बच्चों, सभी जाने वाले हैं। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, सभी को पता है। हमारे मेहमानों ने तैयारी कर ली है वापस घर जाने की, और ये रही उनकी खास ईदी, और सरप्राइज भी है। वैसे ये मैं आपको दिखा नहीं सकता, वो खुद ही दिखाएंगे आपका सरप्राइज। ये है आपकी स्पेशल ईदी, और उसके बाद सभी बहनों को मैंने इतने इतने दिए, ये आपकी और फजर और सुभान की ये वाली। माशाल्लाह से जी, और ये 100-100 इसीलिए है कि सभी को 100-100 दिया है, और आप इसको कलेक्शन करें 100-100 भी दो तो कितने बनते हैं। माशाल्लाह काफी है, अल्लाह पाक इनको और मजीद फलता फूलता दे। आमीन आमीन। और मैंने भी इनको इतनी दी। चले माशाल्लाह। और ये मैंने अपने व्यूवर्स को नहीं दिखाया, मैंने बता दिया है कि आप ही अपने व्लॉग में ही आपको दिखाएंगे कि ये क्या चीज है। ये है जी अतीक की मामा की ईदी, वो भी रह गई थी अभी जान। फाइनल तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और सुभान जा रहा है, कल इसी टाइम आए थे और आज इस टाइम पे जा रहे हैं। आज ईद खत्म हो गई ना, इसीलिए चले घंटा डेढ़ रन दे पानी पी फजर किधर गई फजर हो रहा उधर, सीरत ने रोना शुरू किया हुआ कि मैंने जाना है आप लोगों के साथ, तो उसके मामा बोल रही है कि उसने जो है हिफ्ज़ करती है तो उसका वो रह जाएगा। सिर और लेके आए फजर को, फजर अपनी मामा को देख के छुप गई और इसके जाने का इरादा नहीं है, यही रहना है। मैं जूते डालूं। हमारा दिन का खाना तो हो गया है और बहुत ही अच्छा रहा, और अब शाम के खाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और शाम के खाने में मेरे पसंदीदा बैंगन, आलू बैंगन, बैंगन और फ्राई किए हुए जो तवे पे फ्राई करते हैं ना, वो बनाएं या बैंगन का भरता बनाएं, वो ज़्यादा मज़े करवाते हैं। मेहमान हमारे जा चुके हैं और 3 दिन हमारी सही रौनकें बनी रही हैं, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुई। हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली बहन जो है वो जा चुकी हैं, तो बाकी शहर वाले बच्चे जो हैं वो भी तैयारी पकड़ रहे हैं, वो उन्होंने भी जाना है। वैसे हमेशा एक जगह पर सभी ने थोड़ी रहना होता है, हर किसी ने जाना ही है। हमने जो ईंटें निकाली थी बच्चों ने उसका ये हाल कर दिया, ईंटें खुश्क हो गई थी, लेकिन बच्चे चूँकि यहाँ पर खेलते रहे और अच्छा खासा तमाशा करते रहे तो तोड़ दी, ये भी तोड़ दी, वो भी तोड़ दी, काफ़ी मेहनत हुई थी इन पे, लेकिन बच्चों के सामने क्या चीज़ और क्या मेहनत। और मुझे एक और चीज़ नज़र आई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी में जो मिर्चें हैं उन्होंने सब्ज़ी ले ली है और अच्छी खासी ले ली है, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हो गई हैं, इसको तोड़ लेते हैं, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह। देखो यकीनन आपको भी खुशी हो रही होगी क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ काश्त की थी, और साथ ही हम इसकी देखभाल करते रहे हैं, और आज एक साथ हम इसका फल ले रहे हैं।
ज़ैफ़ा की मामी जो हैं वो इनके लिए गिफ्ट लेके आई थी और उन्होंने कह दिया है कि आपके मामू के पास है गिफ्ट, तो ये सुबह से मेरे पीछे हैं, मुझे गिफ्ट दें जो नूर लेके आई हैं। और शाम के मंजी बिस्तर जो हैं वो निकाल लिए गए हैं, सेहन में पानी का छिड़काव भी कर लिया गया जिससे नींद बड़ी ज़बरदस्त आती है। और हुज़ैफ़ा का गिफ्ट कहाँ है आपको पता है क्या है गिफ्ट? हुज़ैफ़ा बेटा नीचे आ जाओ यार, ये जो शरारतें हैं ना हुज़ैफ़ा की, ना करो, नीचे आ जाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं उतारे, ऐसे उतारते हैं, छोड़ दो ऊपर से, इसको बांध के रखना पड़ता है जितनी इसकी शरारतें। गिफ्ट मैं लेके आ रहा हूँ आपका, ठीक है, क्योंकि आज सभी ने गिफ्ट ले ली हैं, सिर्फ हुज़ैफ़ा रहता है। हुज़ैफ़ा का गिफ्ट मुझे याद नहीं था, बस उसे पता चल गया है तो याद आ गया मुझे, लेकिन काफ़ी दिनों से जो है वो रखा हुआ था। ये रहा हुज़ैफ़ा का गिफ्ट, फाइनल गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। हुज़ैफ़ा को भी ऐसे ही अभी दिखाते हैं, वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसा है, क्या हो सकता है ये है हुज़ैफ़ा का गिफ्ट। आपके लिए महानूर वो लेके आई थी जो आपकी वो थी क्या कैचर टाइप की पोनिया, और हुज़ैफ़ा के लिए ये है, आपके लिए भी आया है इसे। कैसा है हुज़ैफ़ा, चला के तो दिखाएं। हुज़ैफ़ा का गिफ्ट हम अनबॉक्स करें, और कैसे खोलना है हुज़ैफ़ा खान, खुल ही नहीं रहा, ये दोबारा भी पैक करना है या बस खेलना है फिर आपने खेलना है क्या, तो दोबारा पैक नहीं करना। ये आपका भाई है, आप अभी कह रहा था कि मेरा और हारी भाई का गिफ्ट है, जब मिल गया कहता है इन्नू मैं कौन ही खिड़ा हुआ। यस, दो मिनट ठहर जाए मुझे चेक तो करने दे पहले चलता भी है या नहीं। मेरे ख्याल में ये वाली बॉल इसके अंदर डालनी है हमने, और इसको पीछे से खींचना है ऐसे, और ये है मेरे ख्याल में सामने रखना है, इसका हम निशाना बनाएंगे, रखें यहाँ पे कहीं पे, वो सामने रखें, डालेंगे और निशाना लगाएंगे हम उन बॉटल्स को। एक गिरा दी मैंने, बस जो गिर जाए वो साइड पे कर दे। देखें। बच्चे अब थोड़े से रह गए हैं, बाकी सभी जा चुके हैं, शहर वाले भी कुछ बच्चे चले गए हैं। साथ चला गया? नहीं, इधर ही है, वो मेरे ख्याल में टिब्बी पे गया हुआ है, हुज़ैफ़ा की बिड्डी पर। लेकिन हुज़ैफ़ा को यहाँ पर खिलौने मिल रहे हैं, और शाम के वक्त हमारी सूरजमुखी कुछ ऐसी लुक दे रही है, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इसको बनाया है। शाम के 6 बज गए हैं और डस्ट आ रही है इस साइड से काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल में कोई थ्रेशर वगैरह लगी हुई है। मैं हमेशा जब भी कोई टाउन जाता है अपनी फेवरेट चीज़ मंगवाता हूँ, दही बड़े, और अभी वो मैं बना रहा हूँ, पर ये जो पापड़ी होती है ये बहुत ज़्यादा मज़ा करवाती है। मिक्स करें, सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दें क्योंकि इस साइड से डस्ट आ रही है और अच्छी खासी आ रही है। थ्रेशर किधर लगी हुई है? इस साइड पे लगी हुई है, डस्ट इस साइड से आ रही है। सब बच्चों के जाने से फाइनली आज हमारी रौनकें खत्म हुई, और हम भी आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।